हेलो फ्रेंड, मेरे फूड फैमिली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज चल रहे हैं हम नमूना और चाल बनाने। तो ये है मेरा मटर और मेरा इसमें देखिए धनिया पत्ता है, लहसुन पत्ता है और प्याज का पत्ता है और ज़रा सा लिए हम गर्म मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं है ये रहा। और इसमें लेते हैं एक टुकड़ा हम अदरक और हम लेंगे 3 हरा मिर्च। आपको जैसा तीखा खाना उस हिसाब से आप मिर्चा डाल सकती हैं। तो चलते हैं, पहले हम इसको काट के सारे मसाले इकट्ठे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड, देख सकती हैं कि तेल गर्म है और मेरा मसाला पीस चुका है। मैंने दो लिया दो पकौड़ी, तो मैंने इस पकौड़ी को फोल लिया है और डालेंगे इसमें हम तेल में। तो हल्का मेरा फ्राई हो चुका है, अब डालेंगे ये मसाला जो हम पीसे थे। फिर देख सकती हैं मटर को हम हल्का दरदरा करेंगे। मेरा मसाला भून चुका है और डालेंगे इसमें हम आलू। आलू को भी हम कम से कम 3-4 मिनट इसमें फ्राई करेंगे मसाले में ही। और इसमें हम डालेंगे अपने आवश्यकता अनुसार नमक। और इतना हम हल्दी डाल देंगे। और जो मेरा खड़ा मटर था तो इसको हम जरा दरदरा कर लेंगे, तो इसको मसाला में हम भून लेंगे। इसको हम ढक देते हैं। सब्जी मेरी भून चुकी है, सब्जी साथ मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है। और इसमें डालेंगे हम पानी। बहुत ज़्यादा हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, बस इतना ही चाहिए हमको, क्योंकि सब्जी मेरी बहुत कमी थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। इसको हम ढक के खोला देंगे। फ्रेंड, मेरी सब्जी पक चुकी है, तो इसको निकालेंगे हम बाहर। फ्रेंड, मेरी सब्जी देखिए बनकर रेडी हो चुकी है और सब्जी को हम लोहे के कढ़ाई में बनाए हैं। तो ये नमूना मेरा बनकर रेडी हो चुका है, तो अब चलो हम रोटी बनाने। तो फ्रेंड, मेरी पूड़ी बनकर रेडी हो चुकी है, तो हम खाने की तैयारी करते हैं। तो आज पूड़ी बहुत ही ज़्यादा हम बड़ा बड़ा बनाया है, बिल्कुल रोटी जैसा। और यह है मेरी सब्जी। तो सब्जी निकालते हैं हम कटोरी में। तो चल मैं अपने पति जी को खाना देना इस तरह से। मेरे खाने की थाली कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।